अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप YouTube पे जो कुछ भी वॉच करते हैं या जो कुछ भी सर्च करते हैं वो बैकअप पे सेव होता रहता है तमाम तर डेटा कि आपने YouTube पे क्या वॉच किया है या क्या सर्च किया है। तो इसलिए कोई दूसरा बंदा भी आपकी इस हिस्ट्री को देख सकता है कि YouTube पे आप क्या क्या वॉच करते रहे या क्या क्या सर्च करते रहें। आप चाहते हैं कि कोई भी आपके पर्सनल डेटा को ना देखे और आप जो भी सर्च करें जो भी वॉच करें वो बैकअप पे ना सेव हो, तो उसके लिए आपको YouTube पे एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। तो फिर इस छोटी सेटिंग बारे जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें लेटेस्ट वीडियो के लिए। मैं फिर मोबाइल स्क्रीन पर जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी वॉच या पास हिस्ट्री को यूट्यूब पर स्टॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब को ओपन कर लिया और यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो प्रोफाइल वाला आइकन है आपने इस पर क्लिक करना है। करने के बाद नीचे सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आपने यहाँ पे हिस्ट्री एंड प्राइवेसी जो है लिखा हुआ आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये थर्ड नंबर पर ऑप्शन आ रहा है कि पास वॉच हिस्ट्री, तो आपने इस पर क्लिक करेंगे ये वाली विंडो वो अब ओपन होगी। आपने यहाँ पर दोबारा पॉज कर देना है और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे वॉच करेंगे वो यहाँ पे बैकअप पे नहीं सेव होगा। दोबारा आप चाहते हैं जो सर्च करें वो भी सेव ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो पास सर्च हिस्ट्री इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये विंडो ओपन होगी तो आपने यहाँ पे इसे भी पास कर देना है। इस तरह अब आपकी जो है ना वॉच और सर्च दोनों हिस्ट्री पास हो चुकी है। अब कुछ भी आप वॉच करें या कुछ भी अब यूट्यूब पर सर्च करें वो यहाँ पर बैकअप पे सेव नहीं होगा। फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक।